नमस्कार, झारखंड लोक सेवा आयोग के मेंस एग्जाम के लिए जनरल स्टडी पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पेट्रोल डीजल के दाम कैसे तय होते हैं और इसके बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत में इसका विकल्प क्या हो सकता है पेट्रोल डीजल के बदले, तो ये जो प्रश्न होगा इसके उत्तर लिखने के लिए आपके पास आ सकते हैं कि भारत सरकार की पेट्रोल नीति क्या है। और साथ ही साथ आज इस पर हम एक गंभीर विश्लेषण भी करेंगे कि इस सरकार के समय में पेट्रोल डीजल में इतना ज्यादा उछाल क्यों हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर जो बातें बताई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आप प्रतिदिन समाचारों में देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ती जा रही है। भारत में पेट्रोल डीजल का भंडार बहुत कम है, वर्तमान में ये सिर्फ 20 वर्षों का ही भंडार बचा है, यानी कि भारत सरकार के ही अनुसार वर्ष 2038 में तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अल्टरनेटिव विकल्प पर ध्यान देना जरूरी होगा, तो उस पर भी हम लौटेंगे। लेकिन पहले बता दें कि पेट्रोल डीजल की जो दाम है वो लगातार बढ़ने के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। इस वर्ष तो लगभग 16-17 बार दाम लगातार बढ़ चुका है। अगर हम तीन चार राज्य की बात करें तो पहले ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपेक एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसकी हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, और यहीं से तय होता है तेल का दाम। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब और गल्फ कंट्री के अलावा वेनेजुएला और कुछ राष्ट्र है जो तेल का दाम का निर्धारण करते हैं। ऊपर से रूस और अमेरिका का दबाव, भारत का रुपया और अमेरिका का डॉलर दोनों के बीच मजबूती और एक दूसरे के विरुद्ध कमजोर हो जाना, इन दोनों को लेकर भी मुश्किलें पैदा होती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल का जो रेट है उस रेट के तुलना में भारत सरकार के द्वारा राज्य का अलग टैक्स लगता है और केंद्र का अलग टैक्स लगता है, जिसके चलते रेट और भी महंगा हो जाता है। अगर आप वैट की बात करें जो पेट्रोल और डीजल में लगाया जाता है, तो बिहार राज्य में 24.7% जो है वह वैट की टैक्स है। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझे कि 24.71 रुपया जो है ये वैट के टैक्स के चलते वहां पर डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है। वहीं डीजल में 18.34 रुपया लगता है बिहार में, और पेट्रोल में लगता है 24.71 रुपया। साथ ही साथ झारखंड में 25.72 रुपया जो है ये वैट का टैक्स लग जाता है। अगर 80 रुपया रेट है पेट्रोल का, तो 25.72 रुपया झारखंड में ये सरकार के द्वारा टैक्स लगा हुआ है, और डीजल में 23.81 रुपया टैक्स लगता है, 23.81 पैसे। बंगाल में 25.25 रुपया का टैक्स है पेट्रोल पर, और डीजल में 17.54 रुपया का टैक्स है। उत्तर प्रदेश में ये टैक्स 26.90 रुपया का हो जाता है, और डीजल पर 16.84 रुपया का हो जाता है। अगर आप इन टैक्सों को देखें तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि तेल इतना महंगा क्यों हो जा रहा। ये राज्य में, अलग अलग राज्य में, हमने 4 राज्यों के अनुसार आपको बताया जो जहां पर खास तौर पर महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे तो इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दाम अगर बढ़ती है, इसको ऐसे समझिए कि वहां पर अगर 30 रुपया प्रति बैरल हो जाता है, तो 30 रुपया पर टैक्स लगा दिया जाता है। 2 टैक्स भारत में लग रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लग रहा है और एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लग रहा है। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर टैक्स की बात की जाए, तो साधारण पेट्रोल जो होता है उसमें 19.48 रुपया का एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर है, 19.48 रुपया का, लगभग 20 रुपये का है। और जो ब्रांडेड पेट्रोल होता है उसमें 20.66 रुपया का होता है पेट्रोल पर। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 15.33 रुपया का
टैक्स लगा हुआ है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो, और ब्रांडेड हाई स्पीड डीजल में 17.69 रुपया का टैक्स होता है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स को और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को जोड़ लीजिए तो दोनों टैक्स ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो लगभग 40 से 45 रुपया हो जाएगा। मतलब 80 रुपया अगर पेट्रोल प्रति लीटर है तो 40 रुपया उसमें 50% टैक्स के रूप में जा रहा है राज्य में और केंद्र में। तो वास्तविक मूल्य अगर सरकार इसको छोड़ दे, अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्यों नहीं छोड़ रही, इतना जन आंदोलन हो रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ना चाह रही है। देखिए दो चीजें हैं, सरकार की नीति एक तो एसी कमरे में बनती है, बंद कमरे में बैठ करके प्लानिंग करना, डिसीजन लेना और ये जोड़ना कि अगर 10 पैसा हम ज्यादा वसूलते हैं तो इतना करोड़ रुपया राजस्व आता है। लेकिन सरकार ये नहीं सोच पाती है कि जो बंद कमरे में बैठ करके प्लानिंग तैयार कर रही है उससे आम लोगों को कितना नुकसान होगा। और ये संभवतः आप देखेंगे 1947 की बात की रेशियो देख लीजिए तो भारत में जब सरकार इस प्रकार से निरंकुश होती जाती है, जब जनता की बात को नहीं सुनती है और उसे लगने लगता है कि उसके अंदर सुपर कॉन्फिडेंस आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो चुनाव में वो हारती है। आप इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का साइनिंग इंडिया कार्यक्रम को आप देख सकते हैं जिसमें बहुत बुरी तरीके से पार्टी हार गई। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि उसका विकल्प नहीं है भारत में, और इसके चलते वो जितनी भी महंगाई बढ़ाते जाएंगे आम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। दूसरा कारण है महंगाई बढ़ाने का कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इकोनॉमिक्स में, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। तो उसमें ये रेशियो निकाला जाता है, जैसे कार की रेट बढ़ाई जा रही है, बाइक का रेट बढ़ रहा है, तो गाड़ी की बिक्री घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है कि बढ़ रही है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है, सोना की मांग बढ़ती जा रही है, हर वस्तु को का रेट बढ़ने के बाद उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में टैक्स जो होता है फॉरवर्डिंग बना दिया जाता है ताकि लोग चूंकि सामान खरीद ही रहे हैं, तो जब सामान खरीद रहे हैं तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से टैक्स की रेट नहीं गिराई जाती है। सरकार को ऐसा प्रतीत हो जाता है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कि उसकी क्रय शक्ति ज्यादा है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, मतलब स्वयं वो हवाई जहाज से दिन भर चल रहे हैं, सारे सरकार के लोग हवाई जहाज से घूम रहे हैं, और जो व्यक्ति भारत का है उनको बोला जा रहा है कि आप बस की सफर की शुरुआत कर दे। तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, सुपर कॉन्फिडेंस हो सकता है कि जिसमें ऐसा लगता है कि नहीं रेट कितना भी बढ़ते जाए लेकिन सरकार पर आंच नहीं आने वाली है, और इसी का परिणाम बुरा हो जाता है। कभी कभी सरकार बहुत ज्यादा चीजों को प्रॉब्लम डाल देती है और बाद में लगता है कि उसको कंट्रोल करेंगे, खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ये दिक्कतें रही है शुरुआती समय से कि जो नीति वो बनाती है उस पर बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनके हाथ से मुद्दा चला जाता है। जैसे देखिए SC ST एक्ट को लेकर के पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सरकार चुप रही, जब आंदोलन SC ST एक्ट के द्वारा समर्थन में शुरू हुआ तो पार्लियामेंट में बिल आ गया तो फॉरवर्ड कास्ट वाले फिर बंद और बाकी आंदोलन शुरू कर दिए। तो यहाँ पर पार्टी मतलब शुरू में कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन का कोई टीम नहीं है इनके पास, इनके दिमाग में होता है कि नहीं पब्लिक के पास मतलब ऑप्शंस नहीं। तो अगर आप देखेंगे पेट्रोल 2018 में तो 14% महंगा हुआ है पुरानी रेट के तुलना में, सिर्फ इसी साल में कच्चा तेल जो है वो 22% महंगा हुआ है और डीजल जो है वो 21% महंगा हुआ है। मतलब कच्चा तेल 22% बढ़ा है, सरकार का टैक्स बढ़ा तो आप जोड़ेंगे तो 22 में 14 जोड़ दीजिए तो ये तकरीबन हो जा रहा है 36% महंगा हो गया देखिए। और डीजल का रेट अगर देखेंगे तो 22 में 21 जोड़ देंगे तो 43% रेट इसका बढ़ गया। अब सिर्फ पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा देने के बाद क्या होता है कि सारी चीजों का दाम बढ़ने लगता है, क्योंकि भारत का जो ट्रैफिक है वह रोड ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड है ज्यादा से ज्यादा, तो हर चीजों की दाम बढ़ना लाजिमी हो जाता है। एक आम लोग जिसे मनरेगा योजना की हम बात करते हैं
इस सरकार की दूसरी योजना की बात करते हैं तो महीना में एक व्यक्ति 10,000 रुपया तक कमाता होगा मैक्सिमम। अब 10,000 12,000 रुपये 15,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर अचानक से हर चीज अगर दुगनी महंगी होने लगती है तो उसको दिक्कत शुरुआत हो जाता है। और इसे अगर सरकार समय रहते नहीं सोचती है, वह छोड़ देती है कि बहुत आंदोलन हो जाएगा तो हम एहसान करेंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत भारी फॉल्ट होती है और सारी चीजें होती है जिसके चलते सरकार चुनाव हार जाती है। सवाल ये उठता है कि इसका क्या विकल्प हो सकता है, किस प्रकार की विकल्प हो सकता है पेट्रोल और डीजल का। एक तो विकल्प है इलेक्ट्रिक कार का, इलेक्ट्रिक बाइक आना चाहिए भारत में, और इसको लेकर के सरकार ने ग्रीन प्लेट का, ग्रीन कार का कॉन्सेप्ट लाया है, जिसका ये भी है कि टोल ब्रिज में टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये आने में 2022 के बाद होगा, तब तक सरकार हो सकता है चुनावी आ जाए। दूसरा इसका उपाय हो सकता है जेट्रोफा ग्रास होता है, जेट्रोफा ग्रास जो है इसको पेट्रोलियम के साथ में अगर मिक्स करके उसको यूज किया जाए तो वो ज्यादा दूर तक गाड़ी की स्पीड जाती है और ये पेट्रोलियम का एक विकल्प के रूप में सामने आता जा रहा है। साथ में मिथेनॉल हो सकता है या फिर कुछ अगर गोबर गैस वगैरह के लिए कुछ प्लानिंग किया जाए CH4 के लिए कि उसको कैसे यूज आप करें, या गैस सिलेंडर से जब गाड़ी चलाने की बात होती है तो विकल्प रहने के बाद अगर पेट्रोल डीजल के दाम को अगर बढ़ा दिया जाता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विकल्प आपके पास जब नहीं है तो जो विकल्प है उस पर अगर आप उस विकल्प के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और पब्लिक के लिए मजबूरी है पेट्रोल और डीजल को भराना, सरकार बोलती है कि हम कैश सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब मध्यम क्लास को कैश नहीं मिल रहा है, जो लोअर क्लास है देश के, मतलब जिसको आप पुअर क्लास बोल सकते हैं BPL वाले, तो उनको तो आप दे रहे हैं फंड, लेकिन जो मिडिल क्लास है भारत का, तकरीबन भारत में 60 करोड़ जनसंख्या ऐसा है जो मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास के लिए सरकार ने कोई रणनीति नहीं बनाई है और ये एक दिक्कत हो सकती है सरकार को कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो अपोज करेगा पूरे मामले का। देखिए यहाँ पर सरकार को विकल्प के तौर पर सौर ऊर्जा को अगर स्टोर करने की कैपेसिटी डेवलप कराया जाए, बैटरी वाली गाड़ी जो अभी तक सफल नहीं हो पाया भारत में, चाइना और जापान में सफल है, तो चाइना की और जापान की तकनीक लाने के लिए बार बार बात की जाती है, लेकिन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं है और एनर्जी का इतना जरूरत है भारत को कि बड़े बड़े इंडस्ट्री भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ उनको लगता है कि भारत में अभी ऊर्जा का पूर्ण चीजें नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें हैं भारत के साथ में जिससे हमको लगता है ऐसा कि भारत को इस पर जल्द से जल्द सुधार करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन वित्त मंत्री जैसे अरुण जेटली जो वर्तमान में, जिन्होंने कहा है कि एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाया जाएगा, मैंने हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो अगर अपना एक्साइज ड्यूटी घटा लेती है रेट गिरेगा, लेकिन राज्य सारे राज्य को फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है कि और राज्य चाहता है कि सरकार, चूंकि केंद्र में BJP है तो राज्य सारे राज्य को ये पता है कि लोगों की नाराजगी केंद्र के प्रति होगा, राज्य के प्रति नहीं होगा। ये लोगों को नहीं पता है कि राज्य का भी एक्साइज ड्यूटी लगता है और केंद्र का भी लगता है, दोनों लगने के बाद इतना महंगा हो जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए कि आपने जो इकोनॉमिक सुधार कार्यक्रम किया है, हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी के समय भी हुआ था, लेकिन आप रहेंगे तब तो इसको सुधार को लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सरकार में रहने पर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि उनके लिए सत्ता परमानेंट है, वही जीतेंगे, ये तो जरूरी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो जो आम जनता के लिए नीति होती है उसको लेकर के वो आगे चले, तभी संभव हो पाएगा कि लोग आपके साथ में खड़े रह पाएंगे और खुल करके आपका साथ देंगे। हम आपको ये बता दें कि पेट्रोल डीजल महंगा होने का और रुपया कमजोर होने से साबुन पेस्ट और जो FMCG और TB फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ये सारी चीजों की दाम 10% तक बढ़ी जाएगी, क्योंकि देश में सामान ढुलाई खर्च विश्व का औसत का दुगना हो गया है। भारत में 13-15% हिस्सा लॉजिस्टिक का होता है और विश्व का औसत 6% है, तो
तो देश में 60% सामान ढुलाई जो है वर्तमान में 60% का, ये 60% भी जो है ये हो रहा है रोड के द्वारा। तो जाहिर सी चीज है कि ये महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। अब दूसरी चीज को देखिए कि रुपया कमजोर होने से क्या फर्क पड़ता है। एक डॉलर के मुकाबले अगर हमको 72 रुपया देना पड़ रहा है या 74-75 रुपीज देना पड़ता है, तो इसका नतीजा ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हम तेल खरीदते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर डॉलर के मुकाबले हमको ज्यादा कागज का नोट बेचना पड़ रहा है, मतलब उसको देना पड़ रहा है एक्सचेंज में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, विश्व मुद्रा कोष, वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा जाता है, यानी कि भुगतान संतुलन तैयार किया जाता है। और भुगतान संतुलन में ये देखा जाता है कि कौन सा देश का जो मतलब कंज्यूमर गुड्स होगा वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो भारत का रुपया कोई लेना नहीं चाहेगा क्योंकि ये कमजोर होता जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही ये कमजोर होगा तो तेल और महंगा हो जाएगा। अगर वो $5 प्रति लीटर अगर हो रहा है तो हमारा तो रुपया कमजोर हो गया है। तो अगर पहले हमारा 60 रुपया होता था तो वो सीधा 72 रुपीज हो जा रहा है। तो ये भी एक मुश्किल हो रही है भारत के साथ में। तो जेपीएससी मेंस के लिए हमने ये विश्लेषण किया है, जो उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसका जरूर लाभ लीजिएगा। जीएस पेपर 3 पे था और हम लगातार चारों जनरल स्टडी के पेपर के आपको मटेरियल भेज रहे हैं, लैंग्वेज पेपर का भेज रहे हैं, और जेपीएससी मेंस आपको निकालना ही है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पास कीजिएगा। जिस प्रकार से हम लोग स्ट्रेटजी बना करके चल रहे हैं, और आप और ज्यादा जानने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको और लगातार वीडियो देते रहें। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।